तो गाइस अभी मैं उठी हूँ और मैं दूध पी रही हूँ, तो मैं आपको नाश्ता के टाइम मिलूंगी। देखती हूँ नाश्ता में आज क्या बन रहा है, और मुझे भी नहीं पता नाश्ते में क्या बन रहा है, तो देखते हैं नाश्ते में क्या बनेगा। अभी गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स मिलाऊंगी, चलो मैं अपने पापा से मिलाती हूँ। ये है मेरा पापा, ये है मेरा छोटा भाई। तो गाइस मैं चलो अपने दादू से मिलाती हूँ। दादू हाय बोलो। हाय, हेलो। ये मेरे दादू है। और ये मेरी मम्मी है। हाय गाइस, ये मेरी मम्मी है। तो गाइस अभी आपके लिए एक सरप्राइज है जो हम बहुत पहुंच कर बताएंगे। हाय गाइस, हाय गाइस। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, और गाइस वो बहुत एक्साइटिंग जगह होने वाली है। आशुता और आशुत तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो हम लोग वो सरप्राइज ही रहेगा जब तक हम वहाँ पे पहुँचते नहीं है। और गाइस बिल्कुल एंड तक देखना। हाँ, उसके लिए आपको एंड तक देखना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड। इसके पापा तो नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा बिजी है, बट मैं आशिता और आश्रित जा रहे हैं, और साथ में हमारे कुछ और लोग भी हैं। ठीक है, बट वो है आपके लिए सरप्राइज है, वो भी हम हमारे साथ में, वो हम उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। ठीक है, तो वो तो आपको उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बस हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, हमारे आउटफिट रेडी हैं। ये आशिता का आउटफिट है और ये है आश्रित का आउटफिट। बस ऑलमोस्ट हम लोग रेडी होने जा रहे हैं, तो गाइस हम आपको मिलते हैं अब रेडी होके। ठीक है, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरे से ज्यादा एक्साइटेड बच्चे हैं। ठीक है, बट आशिता थोड़ा सा सैड है क्योंकि उसके पापा नहीं आ पा रहे हैं आज, तो बट ठीक है, उसके थोड़े बिजी थे, वो काम भी जरूरी है करना। तो पापा ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ट्रिप में वो जरूर चलेंगे जहाँ भी हम जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए देखने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम कितना एंजॉय करते हैं। ठीक है, और यस हमारा बैग रेडी हो गया है। ठीक है, बस आपको सब कुछ दिखाते हैं हम लोग अभी रेडी होने के बाद। और हाँ, और आशिता ने ये अपने पापा के लिए कार्ड बनाया था। ठीक है, एक्चुअली इसके पापा का बर्थडे है 6 जून को, तो उसने ये प्यारा सा कार्ड अपने पापा के लिए बनाया है। और गाइस आपको पढ़कर बताऊं, हैप्पी बर्थडे डियर डैड, थैंक यू फॉर गिव अस सो मेनी लव। तो अब प्लान करेंगे पापा के बर्थडे का, भी प्लान करेंगे हम। और ये है एन, द एन का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। मैं रहती ये स्टार्टिंग ऊपर, ये वाला स्टार्टिंग बनाते हैं। तो करेंगे, पापा का भी प्लान करना है आशिता बर्थडे का, देखते हैं क्या प्लान करते हैं पापा की बर्थडे के लिए। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आपको रेडी होके। हाँ चलो, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हम लोग रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए, और आशिता भी रेडी है, और यहाँ पर आश्रित भी रेडी है। आशिता का आउटफिट ये है, आउटफिट ऑफ द डे, और ये आश्रित का आउटफिट ऑफ द डे। हाँ, हाय करो गाइस को। हाँ, ये शूज, और यहाँ पर मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। तो मिलते हैं गाइस आपको पहुंच कर। राइट, तुम इतनी लो से क्यों फील करी, पापा नहीं आ रहे इसलिए? कोई बात नहीं, पापा हमारे साथ नेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आर यू एक्साइटेड आशिता? आर यू एक्साइटेड आश्रित? तो ठीक है गाइस, आप देख ही सकते हैं इनका एक्साइटमेंट लेवल। तो फटाफट जाते हैं हम लोग लोकेशन में। हाँ, तो फटाफट जाते हैं हम लोग लोकेशन में, और फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, बाय। कहाँ पहुँच गए, तो चलो अंदर दिखाते हैं कहाँ पहुँच गए।
बहुत ही मजा आ रहा है। आपसे तो बहुत इंजॉय कर रही है। गिरने वाली थी। चलो अच्छा अपने फ्रेंड को मिलाओ। अच्छा तो अपने फ्रेंड को मिलाओ। मेरे पीछे हैं, देख सकते हैं। आओ रिधान। हेलो भाई। हाय। ये मैं आपको लेकर आती हूं। ये आशिता का फ्रेंड रिधान है। हाय बोलो रिधान। हाय। कैसा लग रहा है आपको पूल में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? हां। आशिता राधा से मिलाओ। राधा से। हाय। जब जाओ राधा। मजा आ रहा है आशिता? बहुत ज्यादा। इसका पाँव देखना। टिकू मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। और हाँ एक चीज दिखाओ, मैं मार्वल बन कर दिखा। और ये है नेहा और ये है सोनम। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये देखो हाय, हाय बोलो। गाइस, हम नहा कर आ चुके हैं और मेरे हाथ पूरे ठीक हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। दूसरा पहले भी खाया था पर हमने उसकी शूटिंग नहीं कर रही थी। अब क्या खाया था हमने? खाया था फ्रेंच फ्राइज और चाउमीन। तो मैं चाउमीन खाता था। कौन थक गई आशिता बहुत ज्यादा ना? मामा आ रही है। रिधान आपको मजा आया? कैसा लगा आपको? अच्छा था। कहीं झूला है पर कहाँ है? हाँ जाओ आप दोनों जाओ झूला झूलो। ठीक है तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं। पैदल पैदल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कैब बुक करी है बट हमको डर लग रहा है उसे जाने में वापस क्योंकि रास्ता देखो ऐसा है यहाँ का। तो हमको थोड़ा डर लग रहा है तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आगे से कैब ले लेंगे। कैब बुक हो गई है शायद ऑन द वे ही होगी बट हमने कहा चलो थोड़ा सा रास्ता हम लोग पैदल पैदल कर लेते हैं कवर। तो ऐसा है रास्ता। और यहाँ पे हम लोगों ने मैंगोज भी जोड़े। रिधान मैंगोज दिखाओ। और मेरा वाला यहाँ पर है। ये गाइस वहाँ पे इतने आम लगे थे, इतने आम लगे थे ना कि सबका मन लालच हो रहा था, हम ललचा गए थे। बट मैंगो के पेड़ थे। देखो गाइस ये है रास्ता। आप समझ सकते हैं कि हम हमारा डर ना जायज है। आते टाइम तो हम लोगों को भैया ने छोड़ दिया था, ये नेहा के हस्बैंड ने भैया। तो थैंक यू भैया अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो। बट अब तो बट अब क्या बोलते हैं, अब तो हम लोगों ने कैब बुक करा था जाते टाइम, काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि हम कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पे खाना खाया, स्विमिंग किया, बहुत मज़ा आया। ठीक है, थानों में है ये जगह। लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत प्यारी। हाँ ये देखिए इसका बोर्ड है। हमको तो नीचे जाना है ना पर। हाँ आए थे हम निवास। अच्छा जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जगह। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। अभी देखो ऐसा है यहाँ का रास्ता। ठीक है गाइस तो मिलते हैं हम लोग आशिता घर में हम। राइट राइटिंग भी करनी है तो जाकर। हाँ हाँ इसको आपको पढ़ाई भी करनी है ना आज। हाँ। राइटिंग नहीं करी है ना आशिता? डेली 1 पेज इंग्लिश 1 पेज हिंदी की राइटिंग करती है जो उसने आज की नहीं है तो वो अब घर जाके करेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग घर में है ना। हाँ। चलो बाय रिधान, बाय करो गाइस को। बाय आशिता, बाय करो। बाय बाय, चलो मिलते हैं। तो हाय गाइस, हम जस्ट अभी घर पहुंचे हैं और हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है आशिता। हम लोग वहाँ से जब पैदल पैदल आए तो मैंने देखा कि क्या बोलते हैं हमारा जो कैब था वो कैंसिल हो चुका है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कम से कम 15-20 मिनट्स वेट किया और बहुत कोशिश करी कैब बुक करने की बट कैब ही नहीं बुक हुआ। उसके बाद हमें नहीं लिफ्ट, दैट वाज नॉट लिफ्ट, लिफ्ट नहीं था वो। फिर हमने मुझे एक गाड़ी आते हुए दिखी जो कि टैक्सी नंबर थी। फिर मैंने उनसे बोला कि आप वहाँ तक चल रहे हो
तो जितना होगा आपको पे कर देंगे। तब जाके फिर हमको एक कैब मिला है ना, और क्या बोलते फिर तब हम लोग अभी जस्ट अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, जस्ट अभी। इतना थक गए ना हम लोग, इतना ज़्यादा, एक तो पानी में नहा के वैसी थकान लगती है, ऊपर से गर्मी इतनी, और वेट करते करते और ज़्यादा थक गए। तो गाइस अगर आप उधर की तरफ जाएंगे तो प्लीज़ आपने ही व्हीकल में जाए, और कैब कैब का तो बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि उधर कोई कैब नहीं मिलती अगर, है अगर आप जाओगे तो अपनी गाड़ी लेकर जाना। हाँ, अब कैब का तो, हाँ, कैब का तो बिल्कुल भी वेट मत करिए, मतलब सोच भी नहीं सकते, मतलब तो, आप ऑटो भी नहीं ले सकते ना। मैंने ऑटो भी ट्राई किया, ऑटो भी नहीं मिला, कैब भी ट्राई किया, कैब भी नहीं मिला, और बाकी वहाँ पे प्राय वो बसेस चलती है, बट वो टाइम टू टाइम चलती है, तो बच्चे ये लोग बहुत जल्दी, हम जल्दी आ गए थे तो अब बस इतने देर लगाएंगे। हाँ, बस तो अगर हम उसी टाइम में आ जाए तो हम बस टाइम टू टाइम आती है ना वहाँ पर बस। तो गाइस अगर आप लोग प्लान करोगे उधर जाने का तो अपनी ही गाड़ी लेकर ना, अपनी ही गाड़ी लेकर जाना, अदरवाइज बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय किया, बहुत पीसफुल एरिया है और अननेसेसरी क्राउड नहीं है वहाँ पर, लेकिन जो अपने फैमिली और स्विमिंग पूल भी वहाँ पे दो टाइप के स्विमिंग पूल थे, एक तो था कि जिसमें के बच्चे नहा सकते हैं और एक बड़ों के लिए। अगर हम वहाँ जाएंगे तो आप अगर आप बच्चों अब बच्चों ना अलग अलग होते हैं कुछ, पर वो दोनों जुड़े हुए थे, मतलब उससे ऊपर बच्चों वाला था, तो अगर आपको जाना है तो जाना, बहुत अच्छा है वो। और वहाँ से दो मैंगोज भी लिए थे, एक जो मैंगो था जिसका मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, और कैसे बनाऊंगी आइसक्रीम, गाइस ये झूठ बोल रही है, आइसक्रीम बनाना नहीं आता है, मैं बनाऊंगी आइसक्रीम। चलो गाइस देखते हैं कैसे बनाती है आइसक्रीम, हम भी देखेंगे, ठीक है। चलो फिर, और एक मैंने खा लिया था आधा पूरा, ये देख सकते हैं। तो अब थोड़ा आराम करते हैं आशिता, तो बहुत नींद आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा आराम करते हैं। और देख सकते हो आप टाइम पास 6 बजने वाले हैं, 5:30 हो रहे होने वाले हैं। हाँ, हम जस्ट अभी पहुंचे हैं। चलो गाइस थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको, देखते हैं। हाँ, अगर हमें टाइम मिला तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ओके। गाइस मैं सोकर उठ चुकी हूँ, तो मैं इस ब्लॉग पे यही एंड करती हूँ, और जैसे ही मैं आपको हर रोज ही बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन।